ओम श्री सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 11 प्रवचन 2 पार्ट 1 नाम जपने की विधि। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, आप जप साहिब पढ़ते तो हैं, पर पूरा ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते। बस आप इसी ख्याल में रहते हो कि जप साहिब जैसे तैसे पूरा करना है, उसे पूरा करने में आप भी पूरे ही हो जाते हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सुनिए जोग जुगत तन भेद। कहते हैं, सुनिए जोग जुगत माना, योग मुक्त होकर सुना तो मुझे तन भेद शरीर के मर्म की खबर पड़ी। शरीर क्या है? संत शास्त्र कहते हैं, इसमें 3.5 करोड़ नसें हैं। जब आप दीर्घ स्वर में कहते हैं राम जय श्री कृष्ण सतनाम, फिर सारी की सारी नसें जो हैं वो खुल जाती हैं एवं पवित्र हो जाती हैं। अतः इस प्रकार नाम जपना चाहिए, जैसे सभी नसें उसमें भाग लें, सारी नसों पर जोर पड़ना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, आपने कभी सारंगी बजाई है? ये हारमोनियम दूसरी वस्तु है, सारंगी दूसरी वस्तु है। जब सारंगी ऐसे घूमती है, उस समय उसकी सारी तारें आवाज करती हैं। जो गायक हैं, उन्हें पता है इस बात का। यानी कहने का मतलब है, लंबाई से बोलिए राम राम जय श्री कृष्ण सतनाम। गुरु महाराज ने कहा, जब ऐसे दीर्घ स्वर से कहेंगे, अर्थात जब श्वास से ऐसे जपेंगे, तो वो राम नाम उस श्वास के साथ सारे शरीर के भीतर घूमेगा। फिर अंदर जितना भी कूड़ा कचरा है, पाप है, अवगुण है, पापों की मैल है, पाप के संस्कार हैं, वे सब बाहर निकल जाएंगे। गुरु महाराज ने सभी प्रेमियों से कहा, आप भी प्यार से और दीर्घ यानी लंबे स्वर से कहिए राम राम जय श्री कृष्ण सतनाम। देखिए, छोटा बच्चा है, वो जब धीमे से ऐसा कहता है ना, अम्मा अम्मा, उस पर माँ ज्यादा ध्यान नहीं देती है। किंतु जिस समय दीर्घ आवाज से कहता है ओ माँ, फिर माँ भी उसे जवाब देती है, हाँ हाँ बेटे। अब वो यदि ऐसे दीर्घ स्वर में नहीं बोलेगा तो माँ भी चुप करके बैठ जाएगी, क्योंकि वो दीर्घ वाला आवाज माँ के हृदय में चुभ जाता है और उसे खींच लेता है। इसलिए आप भी जितना हो सके इस तरह दीर्घ स्वर यानी लंबी आवाज में बोलिए राम राम राम। सबको कहे कहने का विचार, सोई राम साधु कहे सोई कहे संसार। आप अपने घर में ही देखें, जब कोई मर्द भोजन करने के लिए बैठता है तो माताएं पूछती हैं, फुलका चाहिए फुलका चाहिए, जल्दबाजी में, जैसे कोई गुस्से के स्वर में कह रही हो। फिर जिस इंसान को 2 रोटी खानी होगी वो बेचारा 1 ही खाकर बस कर लेगा। परंतु जब संत लोग पूछते हैं, बाबा फुलका राम, बाबा दाल राम, सब्जी राम, तो अगले के दिल में प्रसन्नता हो जाती है और आधी रोटी अधिक खा जाता है। और इधर माताएं घर में फुलका चाहिए ऐसे पूछती हैं, जैसे किसी से झगड़ा कर रही हूँ। Yeah.
गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं, तीर्थ नावा जे तिस भावा विण भाणे की नाहे किरी। कितनी सुंदर पंक्ति है, तीर्थ नावा। कहते हैं तीर्थ का वही स्नान सफल है जो तिस भावा, जो भगवान को अच्छा लगे। गुरु महाराज आगे कहते हैं, यहाँ मंदिर में कोई आकर झाड़ू लगाए, झाड़ू लगाना उसका सफल है जैसा पुजारी को अच्छा लगे, या मंदिर वालों को उसकी सेवा अच्छी लगनी चाहिए। आप झाड़ू तो लगाओ लेकिन यहाँ कचरा वहाँ लकीरें, वो किसे अच्छा लगेगा? नहीं तो भाई, नाम जप भी वैसा ही अच्छा होता है जो मालिक को अच्छा लगे। विण भाणे की नाए किरी, जो भगवान को ही अच्छा ना लगे फिर ऐसा स्नान दान किया तो क्या फायदा? कुछ भी नहीं। इसलिए आप इस ढंग से नाम जपो, औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं बल्कि दिल से जपो। जिससे आदमी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो क्या करता है? अरे बात जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी चलो, ऐसा कहता है। चलो तो फिर आपसे कह कौन रहा है ऐसे जप करने के लिए? नहीं, प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्ण, सत नाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।